नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। संविधान बचाओ और ईवीएम हटाओ, ऐसे मुद्दे हैं जिनके सहारे विपक्ष सरकार को घेर रहा है। विपक्ष ने सिर्फ मुद्दों तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि इन्हें आम लोगों की आवाज बनाना चाहता है। इसीलिए ईवीएम के खिलाफ लगातार मोर्चा खोल दिया है, संविधान बचाओ का नारा भी बुलंद कर रहा है। ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल दागे जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन समय के साथ इसको लेकर विरोध तेज होता ही जा रहा है। वहीं संविधान का मुद्दा भी लगातार चर्चा में है। इसके अलावा जातीय जनगणना और आरक्षण ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें विपक्ष लगातार उठा रहा है, धार दे रहा है, और केंद्र सरकार इन पर घिरी नजर आती है। इन्हीं सब सवालों पर दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली हुई, और जिनसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए उसमें। पड़ताल करती हुई विशेष रिपोर्ट आपको इसी पर हम आपको दिखाते हैं, देखिए। संविधान, आरक्षण, जातीय जनगणना और ईवीएम, ऐसे मुद्दे हैं जो आम लोगों से जुड़े हैं, और विपक्ष ने इन्हें आम लोगों की आवाज बनाने का फैसला लिया है, और इन्हीं मुद्दों के सहारे वो सरकार को घेर रहा है। ये मुद्दे अचानक सामने आए हैं, ऐसा नहीं, इनके पीछे की वजह रही, चाहे सत्ता पक्ष के नेताओं के बयान रहे हों या फिर सरकार की ओर से इलेक्टोरल एंट्री जैसे उठाए गए कदम, जिससे आम लोगों के संवैधानिक हक पर हमला होता है, उसी को लेकर विपक्ष ने जनमत बनाया और मुद्दों के रूप में इन्हें अपने एजेंडे में शामिल किया। दिल्ली में इन्हीं को लेकर बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए, और उन्होंने आम लोगों के हक में आवाज बुलंद की। देश के हर संगठन ये चाहते हैं कि इस देश में संविधान को बचाना चाहिए। संविधान बचा तो हम सब लोग बचेंगे, इसीलिए हमको एक रहकर इस संविधान को बचाना होगा। आप निष्पक्ष पक्ष से चुनाव करो, चोरी मत करो वोटों की। आज जब राहुल गांधी जी ने जातीय जनगणना की बात उठाई तो मोदी और शाह जी ने ये उठाया, ये देश को तोड़ने की काम कर रहे हैं। अरे भाई, देश को तोड़ने की काम उन्होंने कर रहे हैं, देश को जोड़ने के लिए उन्होंने जाति गणना का डिमांड किया है, और हम भी बात करते हैं वो, उसमें आपको मालूम होगा कि कौन कितने कौन सी कम्युनिटी कहाँ है, उसको क्या करना चाहिए, इकोनॉमिकली कैसा है, सोशली कैसा है। महारैली का आयोजन दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज और आदिवासी संगठनों की ओर से किया गया था, जिसमें देश भर से आए लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार रही। उन्होंने कहा कि हमारी एकता ही हमारी ताकत है, लेकिन इसी एकता पर हमला केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। बीजेपी क्या करती है? बीजेपी आपके वोट चुराती है। कैसा चुराती है? ईवीएम के वजह से। और वो वोट चुराती है, और यहां तक कि नहीं, एमएलए को भी चुरा के भगा लेके जाती है, जैसा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, उत्तराखंड में, मणिपुर में जो हुकूमत हो गए हैं, वो सब चुरा के एमएलए को चुरा के ही लेके गए। और बीजेपी चुनी हुई सरकार को भी चुराती। रामलीला मैदान की महारैली के जरिए उन मुद्दों पर जनमत बनाने की कोशिश हुई जिन्हें लंबे समय से इंडिया गठबंधन और खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से उठाया जा रहा है। संविधान, आरक्षण, जाति जनगणना और ईवीएम, ये ऐसे मुद्दे हैं जो हर चुनाव से पहले विपक्ष की तरफ से उठाए जाते हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में तो इन मुद्दों का खासा असर भी देखने को मिला, खास तौर से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां पर बीजेपी को इन मुद्दों को लेकर तगड़ा झटका लगा।
लेकिन ये मुद्दे सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं है बल्कि आम जनता के हितों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। संविधान और ईवीएम के मुद्दे पर तो सरकार सफाई देती है, लेकिन जाति जनगणना और आरक्षण जैसे सवालों पर घिर जाती है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संविधान के मुद्दे को लेकर देशव्यापी विमर्श कर रहे हैं। कई राज्यों में अब तक संविधान बचाओ कार्यक्रम हो चुका है। लड़ाई विचारधारा की है। बीजेपी के लोग हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सीधी सी बात है, आप देख लीजिए, जहां भी ये अपने लोग डाल सकते हैं वहां ये अपने लोग डाल देते हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो शिक्षा के इंस्टीट्यूशंस हो, लीगल सिस्टम हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये मेरिट नहीं देखते हैं। आज हिंदुस्तान में इनकी आंखों में एक ही तरीका का मेरिट है, अगर आप आरएसएस के हो तो मेरिट है, अगर आरएसएस के नहीं हो तो आपके लिए इन संस्थाओं में कोई जगह नहीं। और हर रोज ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण करते रहते हैं, कोई ना कोई नया तरीका ये निकालते रहते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान का मुद्दा उस समय गरमाया जब बीजेपी के तीन नेताओं ने 400 पार के नारे को संविधान संशोधन से जोड़ दिया। इनमें अयोध्या के पूर्व सांसद लल्लू सिंह, कर्नाटक के पूर्व सांसद अनंत हेगड़े और राजस्थान बीजेपी के नेता ज्योति मिर्धा शामिल थी। के लिए कई कई नियम बदलने होंगे, संविधान में संशोधन करना होगा और बहुत सारे काम करने। सरकार तो 272 तो ही बन जाते हैं, लेकिन 272 की सरकार संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, उसके लिए 2/3 बहुमत से अधिक की या नया संविधान बनाना। अब की बार 400 पार, ಈ ಬಾರಿ 400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ 400 ಯಾಕೆ? ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮತ ಇಲ್ಲ. ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರುಚಿದ್ರು? ಸ್ಟೇಟ್ ಮೇ ಕೈ ಕಠೋರ ನಿರ್ಣಯ ಲೇನೆ ಪಡ್ತೇ ಹೇ, उनके लिए हमें संवैधानिक बदलाव करने पड़ते हैं। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए। अपने नेताओं के बयान पर बीजेपी ने सफाई दी, लेकिन विपक्ष ने इस मुद्दे को उठा लिया और कहा कि अगर बीजेपी जीतती है तो संविधान बदल देगी, आरक्षण खत्म कर देगी। इंडिया गठबंधन की ओर से दो लड़कों की जोड़ी राहुल और अखिलेश ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा। हिंदुस्तान के किसानों ने, मजदूरों ने सिर झुकवा के कॉन्स्टिट्यूशन से मत्था लगा, और ये काम हम नहीं कर रहे हैं। आप मत सोचिए कि राहुल गांधी और ये सब लोग ये काम कर रहे हैं, नहीं, ये हिंदुस्तान के अंदर से आवाज आ रही है। आप लिख लो, अगर कोई सोचे कि जाति जनगणना को रोका जा सकता है या 50% बैरियर को रोका जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूं, वो सपने देखो। 24 का चुनाव संविधान को बचाने का आखिरी चुनाव है। 22 में भी हम लोगों ने कहा कि ये सत्ता में आ जाएंगे तो संविधान नहीं बचेगा, और मैं आपको कह करके जा रहा हूं, 24 में अगर ये दोबारा आ गए तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान ये बदलने का काम करेंगे। पता नहीं कौन सा संविधान आएगा, वो हम नए लोग नहीं जानते। आप संयोजक और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी संविधान के मुद्दे पर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि अगर ये चुनाव जीतेंगे तो संविधान बदलकर देश में चुनाव नहीं होने देंगे। यहाँ भी ये संविधान बदलेंगे कि अब चुनाव नहीं होंगे इस देश के अंदर, और बस मोदी जी जब तक रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री रहेंगे। क्या हमें तानाशाही चाहिए?
क्या हमें लोकशाही खत्म करनी है, क्या हमें जनतंत्र खत्म करना है? हम किसी भी हालत में मर जाएंगे, कट जाएंगे, लेकिन लोकशाही खत्म नहीं होने देंगे इस देश के अंदर से। दोस्तों, इस देश के अंदर से तानाशाही नहीं आने देंगे इस देश के अंदर। ये लोग बता रहे हैं हमें 400 सीट इसलिए चाहिए, हमें संविधान बदलना है, रिजर्वेशन खत्म करना है। ये रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, तानाशाही लाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे को आम लोगों से जोड़ा और इस मुद्दे को ऐसा उठाया कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में बहुमत के आंकड़े तक नहीं पहुंच सकी। 400 तो दूर की बात है, लोकसभा चुनावों से शुरू हुआ संविधान और आरक्षण का मुद्दा जारी है। विपक्ष हर मौके पर इस मुद्दे को उठा रहा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जीते सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ तो इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने संविधान के प्रति लेकर शपथ ग्रहण की। इसके बाद हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के दौरान संविधान का मुद्दा देखने को मिला। हाल में हुए उपचुनाव में जीती प्रियंका गांधी संविधान के प्रति लेकर शपथ लेती दिखी। उन्होंने संविधान रक्षा का संकल्प भी दोहराया। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। जय हिंद। तो मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं है, हमारे लिए जो संविधान है जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते रहे। हालांकि संविधान को लेकर विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवालों पर पीएम नरेंद्र मोदी सफाई देते रहे और वो सरकार को संविधान का रक्षक बताते रहे। हाल में संविधान दिवस पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कार्यक्रम हुआ था जिसमें संविधान को लेकर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई थी। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। आज वहां पहली बार संविधान दिवस मनाया गया है। साथियों, आज भारत परिवर्तन के इतने बड़े दौर से गुजर रहा है, ऐसे अहम समय में भारत का संविधान ही हमें रास्ता दिखा रहा है। वहीं ईवीएम का सवाल भी सालों से विपक्ष की ओर से उठाया जाता है, इसको लेकर कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया गया। अब इसे आम लोगों का मुद्दा बनाने की तैयारी हो रही है। कांग्रेस की ओर से इसके लिए ईवीएम हटाओ यात्रा शुरू की जा रही है। हमको ईवीएम पीवीएम कुछ नहीं, हमको होना बैलेट पेपर पे वोट बस। उनको वो मशीन उनके घर में तो रख लेने दो, या मोदी साहब के घर में रहने दो या शाह के घर में रहने दो, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जैसा भारत जोड़ो यात्रा निकाले वैसा ही ये पेपर बैलेट पेपर हमको चाहिए। हाल में AICC यानी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में भी ईवीएम का मुद्दा उठा और ईवीएम को लेकर देशव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला हुआ। आज जो बात हुई है सिर्फ ईवीएम को लेकर नहीं, चुनावी प्रक्रिया पर है। जिस तरीके से मतदाताओं को रोका जाता है मत देने से, बहुत सारी बातें उठी। आज ईवीएम का भी मुद्दा उठा। हरियाणा में जो हमने शिकायतें की थी 20 सीटों को लेकर, इलेक्शन कमीशन ने हमें सुना पर हमारी शिकायतों का उन्होंने नजरअंदाज किया। आज सुबह हमारे 3 वरिष्ठ नेता ने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को एक लंबा खत लिखा है, सारी शिकायतें दी है और सोमवार को हमने समय मांगा है उनको और अवगत कराए। तो हम
कर सकते हैं हम कर रहे हैं, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं, पर चुनाव आयोग को भी अपना धर्म निभाना होगा और वो धर्म है निष्पक्ष चुनाव कराना। चुनावी प्रक्रिया आज ईमानदारी से नहीं चल रही। वहीं ईवीएम के मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से चुनाव आयोग को शिकायत की गई, जिस पर चुनाव आयोग ने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को बुलाया। इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान भी ईवीएम का मुद्दा उठा था। यूपी में इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त वापसी की, लेकिन ईवीएम का मुद्दा इंडिया गठबंधन के नेताओं ने नहीं छोड़ा। समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की 80 की 80 सीटें जीत जाएंगे तब भी ईवीएम पर भरोसा नहीं करेंगे। अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। ना ईवीएम का मुद्दा मरा है ना जाएगा खत्म, जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। वही 2020 में बिहार में चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईवीएम को लेकर बड़ा हमला केंद्र सरकार पर किया था। उन्होंने ईवीएम को मोदी वोटिंग मशीन करार दिया था और ईवीएम का नया नामकरण एमवीएम कर दिया था। उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें, वो एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। इधर जब लोकसभा में एनडीए ने जीत दर्ज की तो पीएम मोदी ने ईवीएम को लेकर विपक्ष के सवालों का जवाब दिया और कहा कि ईवीएम ने इंडिया गठबंधन के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। बाद में फोन पे नाराज शुरू हो गए तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वाकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया है।